अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को वीडियो और चैनल में खुश आमदीद। तो मज़ीद प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि ना समझ लोग अंडर एज और टीनेज इन चीज़ों का शौक ना करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए और हमारे मुशरे के लिए अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए ब्रिटा 92 FS पिस्टल लाए, ओरिजिनल मेड इन US। इस पर हमारी वीडियो है, टेस्ट फायर फुल वीडियो है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी कुछ बेसिक मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर इसके बाद जो है ना इस पर फायर करते हैं और इसका इनर वगैरह सब कुछ मैं आपको जो है ना वीडियो में दिखाता हूं। दोस्तों ब्रिटा 92 FS पिस्टल जो आप देख रहे हैं ये USA मेड पिस्टल है। इसमें दो किस्म के पिस्टल होते हैं, M9 और 92 FS। इसको जो है ना 92 FS भी लोग कहते हैं और पुलिस मॉडल भी इसको कहते हैं। और M9 जो है ना M9 ये 92 FS मॉडल वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, इसी जगह जो है ना M9 में यहाँ इसकी राइटिंग M9 होती है। और M9 में दोस्तों ये 3-dot साइट नहीं होते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं M9 बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें ये 3-dot साइट नहीं है, जबकि ब्रिटा 92 FS में है ये, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल इंग्लिश कंडीशन में है, ये आप देख सकते हैं। सेकंड हैंड पिस्टल है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मशहूर पिस्टलों में से एक पिस्टल है। दोस्तों दुनिया में सबसे पहले और मशहूर पिस्टल जो है ना वो पीटीरो ब्रिटा की पिस्टल थी, लेकिन इसके बाद जो है ना हर कंट्री ने इसकी क्लोन कॉपी बनाया, लेकिन ये जो आप देख रहे ये USA मेड है। दोस्तों ये US सोल्जर, US मेरीन और जो है ना, और इसके अलावा US के मशहूर कमांडो जो है ना सील कमांडो इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं, शायद आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो दोस्तों इसकी तकरीबन 50 मीटर इफेक्टिव रेंज है, जबकि इसकी गोली बहुत दूर तक जाती है। और अगर ग्रिप भी आप देख सकते हैं, ग्रिप के ऊपर भी जो है ना लोगो नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और बहुत दानेदार ग्रिप है इसका। और दोस्तों ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसका मैगजीन आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इसका मैगजीन है, 15-shot मैगजीन है, ओरिजिनल कार्टिजेस भी आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इसका लॉक भी आप देख सकते हैं, कई पिस्टलों में ये लॉक नहीं होता है, जबकि इसका बहुत सिक्योर लॉक बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसका लॉक भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं फायर पिन, जब भी आप इसको लॉक करें या लॉक आप नीचे करें तो ये बिल्कुल फायर पिन जो है ना ये ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत सिक्योर लॉक है, बहुत ज़बरदस्त लॉक है, कई पिस्टलों में फेमस मॉडल पिस्टलों में ये लॉक नहीं है, लेकिन इसकी लॉक बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा ये साइट भी आप देख सकते हैं, 3-dot साइट है, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और इसका इनर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, इसको जो है ना आपने प्रेस करना है, थोड़ा बैरल को पीछे करना है और इसी तरह से जो है ना इसको नीचे करना है, ये आप देख सकते हैं। इसका कोल जोड़ भी आसान है, ये इसका इनर है, ये जो आप देख सकते हैं रिकॉयल स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग रॉड भी आप देख सकते हैं, ये आला प्लास्टिक से जो है ना दोस्तों इसको डिज़ाइन किया गया, जबकि लोकल में ये जो है ना आम स्टील या लोहे से डिज़ाइन होता है, ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल में ये रिकॉयल स्प्रिंग का रॉड जो है ना ये प्लास्टिक का होता है। मैं इसका बैरल भी आप लोगों को दिखाता हूँ जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये इसका बैरल है जी दोस्तों, तो आप इसकी बैरल देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त मेट किया गया है, बहुत मजबूती से जो है ना डिज़ाइन हुआ है। इसका इनर भी आप देख सकते हैं, और मैं इसका बैरल भी आप लोगों को दिखाया, और ये जो आप देख रहे ये बिल्कुल इसकी सिस्टम जो है ना बिल्कुल सिंपल है और बहुत खूबसूरत है। ये इसका अहमर है, ये भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना बिल्कुल ये ग्रेप जो है ना बहुत ज़बरदस्त और दानेदार ग्रेप है। तो दोस्तों इसका कुल जोड़ भी बहुत आसान तरीका है, मैं इसका जो है ना दोबारा फिट कर देता हूँ और इसके बाद जो है ना इस पर फायर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका बैरल है, इसके अंदर करना है बिल्कुल, और इसका रिकॉयल स्प्रिंग है, इसको बिल्कुल आपने प्रेस करना है और ये बिल्कुल दरमियान में करना है, ये आप देख सकते हैं। अभी जो है ना इसको पीछे करना है और ये बोल्ट को थोड़ा पीछे करना है, आप देख सकते हैं, और इस स्लाइड को जो है ना इस तरह से करना है, तो ये देख सकते हैं ये इसका कोल जोड़ है, बहुत आसान तरीका है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो डिफरेंट जगहों की डिफरेंट प्राइस होती है, लेकिन इस तरह से सेकंड पिस्टल जो है ना
तकरीबन 1,20,000 से लेकर 1,30,40,50 तक होता है। और कई पिस्टलों में जो है ना इधर लोगो भी होता है, कंप्यूटराइज लोगो, जबकि इस पर नहीं है। कई सेकंड इन पिस्टलों पर ये लोगो नहीं होता है, लेकिन फुल न्यू में जो है ना इधर लोगो भी होता है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो थी ब्रिटा 92 FS पिस्टल के ऊपर, जो मैंने आपके साथ इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसकी कुरेसी, इसका साउंड आप लोगों को दिखाते, इस पर फायर करते कि इसका एक्यूरेसी कैसे है। जी दोस्तों, तो अभी इसके ऊपर टेस्ट फायर करते हैं, इसकी एक्यूरेसी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप जब भी फायर करें तो इसके लिए आप साइड एरिया सेलेक्ट करें जहाँ ना जानवर हो और ना लोग हो। और सामने टारगेट आपको नज़र आ रहे, ज़रा जूम करके दिखाओ इस टारगेट के ऊपर, टेस्ट फायर करते हैं। जी दोस्तों, तो आपने इसका एक और एसी देख लिया, तो आइए अभी आपको टारगेट दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसकी गोली सेंटर पे लगी। और ये इसका जो है ना कपड़े, ये भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको बांध लिया। तो ये आप देख सकते हैं कितने सेंटर में इसकी गोली लगी। तो ये इसका एक और ऐसी था। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।